हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं IIT कानपुर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज कितनी है, पोस्ट कौन से हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। भाई दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं पोस्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in से देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है आपको। ये बात करते हैं क्या है पोस्ट, कितनी वैकेंसी। देखिए जो इसमें सबसे पहले वैकेंसीज हैं, वो वैकेंसीज में है 131 वैकेंसी, यानी कि 131 वैकेंसीज के लिए इसमें पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में नीचे डिटेल वाइज बात करते हैं। आइए देखिए, उससे पहले आपको बता दूँ, जो लास्ट डेट है इस पोस्ट को अप्लाई करने की वो है 9/1/2023, यानी कि 9 जनवरी 2023 इस पोस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आइए दोस्तों डिटेल वाइज बात करते हैं पोस्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये टेबल, इस टेबल में आप पोस्ट के साथ साथ वैकेंसीज भी देख सकते हैं किसमें कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये टेबल आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in से देख सकते हैं। देखिए जो पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में 4 वैकेंसीज है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 1, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 3, मेडिकल ऑफिसर्स में 3, जूनियर इंजीनियर में 10। ऐसी करके आप हर पोस्ट में यहाँ से वैकेंसीज देख सकते हैं। देखिए आइए जानते हैं हम क्या एज लिमिट रिक्वायर्ड है। देखिए द कैंडिडेट शैल एज एलिजिबिलिटी फॉर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन। ठीक है दोस्तों, यानी कैटेगरी वाइज में रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या एज में रिलैक्सेशन दी गई है। देखिए तो एज होगी कैंडिडेट्स की वो 21 से 45 साल की उम्र के बीच में होना चाहिए। आप हर पोस्ट के लिए यहाँ से एज रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। देखिए क्या सैलरी पे की जाएगी, ये जो मंथली सैलरी पे की जाएगी वो है 56,000 से लेकर 1,77,500 तक मैक्सिमम सैलरी आपकी पे आउट होगी। ठीक है दोस्तों, आप हर पोस्ट के लिए यहाँ से पे स्केल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है, आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, फिर मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस के बारे में जानते हैं। देखिए जो ग्रुप ए होंगे उनको 1,000 रुपये देना होगा, ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए उनको 500 रुपये, और ऐसे ही हर पोस्ट के लिए आप यहाँ से वैकेंसीज देख एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम जानते हैं अप्लाई करने का तरीका क्या है। देखिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स इस पोस्ट को, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, वो ऑनलाइन तरीके से इस एप्लीकेशन पर अप्लाई करेंगे, और जो एप्लीकेशन है लास्ट डेट वो है 9 जनवरी 2023। ठीक है दोस्तों, इनको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको, आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। एक जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये IIT कानपुर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, टोटल 6 पेज का है, ये आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।